हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो Y35 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको ना अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए मोबाइल फ़ोन के साइड में जो पावर बटन दे रखा होता है इसे आपको दबा के रखना है, तो स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है। रीस्टार्ट पर आपको टैप करना है, इससे क्या होगा आपका मोबाइल फ़ोन जो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है ना, तो कमी दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए मोबाइल फोन हैंग करता है, मोबाइल फोन स्लो चार्ज होता है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको अगला यहाँ पर काम करना क्या है कि आपके मोबाइल फोन का ये जो सबसे नीचे चार्जिंग पोर्ट होता है ना, इस चार्जिंग पोर्ट को आपको साफ कर लेना है, ठीक है। होता क्या है ना, काफी लंबे समय से हम अपने फोन को यूज करते हैं, तो जो चार्जिंग पोर्ट जो होता है, चार्जिंग पोर्ट के अंदर जो है थोड़ी बहुत जो है धूल मिट्टी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा मोबाइल फोन का जो चार्जिंग होती है वो स्लो हो जाती है। तो आपको इसे ना हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो जो चार्जिंग पोर्ट के अंदर की साइड के जो पार्टिकल्स है वो डैमेज हो सकते हैं और ये चार्जिंग पोर्ट बिल्कुल ही खराब हो सकता है, तो आपको हल्के हाथों से इसे साफ करना है, ठीक है ना। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि देखिए, आप कभी भी अपने मोबाइल फोन को यहाँ पे चार्जिंग पे लगाते हैं ना, तो आपको जो है अपने मोबाइल फोन के साथ वाला चार्जर ही आपको यूज करना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी दूसरे मोबाइल फोन का चार्जर हम यूज कर लेते हैं चार्जिंग के लिए, तो जिससे भी हमारा मोबाइल फोन की जो चार्जिंग होती है वो स्लो हो जाती है, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि आप कभी भी अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो आपको चार्जिंग पे लगा के अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना है। काफी सारे लोग जो है ना अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगा के इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखते होंगे कि आपकी जो चार्जिंग होती है स्लो हो जाती है, ठीक है ना। और आपको जो ब्राइटनेस होती है ना, ब्राइटनेस भी आपको फुल नहीं रखनी चार्जिंग पे लगा के, इसे आपको कम रखनी है, ठीक है ना। कम रखनी है, नॉर्मल जितना आपको जरूरत है उतना ही रखना है, ठीक है, फुल नहीं रखना है, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों का भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार जो है सिस्टम को चेक करना है कि वो सिस्टम अपडेट है या नहीं है, आपके मोबाइल फ़ोन का सिस्टम अपडेट है या नहीं आपको चेक करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हमारे मोबाइल फ़ोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हमें पता नहीं चलता है, और सिस्टम अपडेट ना होने की वजह से भी हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियाँ आने लग जाती हैं। तो आपके मोबाइल फ़ोन का सिस्टम अपडेट है या नहीं आपको कैसे चेक करना है, देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट चालू करना है। इसके बाद आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है। इस पेज में अगर आपको भी अपडेट का बटन या इस तरीके से डाउनलोड एंड इंस्टॉल लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप कर देना है, इससे आपके मोबाइल फोन का सिस्टम जो है ना अपडेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन का जो सिस्टम है उसे अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधा घंटा एक घंटा मैक्सिमम लग सकता है, तो आपको एक प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, इसके अंदर आपको सबसे नीचे ये सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है, इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है, इसके अंदर आपको ये इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है, तो इससे आपका मोबाइल फोन जो है ना रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन की जो स्लो चार्जिंग की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको है ना मोबाइल फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा आपको किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लेना है, ठीक है ना। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी आपको पहले से लिख के रख लेना है, नोट करके रख लेना है, ठीक है ना। तो ये दो बातें आपको पहले से ध्यान रखनी है, दो काम आपको पहले कर लेने हैं मोबाइल फोन को रीसेट करने से पहले। तो ये जितने प्रोसेस मैंने आपको बता दिए हैं सारे प्रोसेस आप फॉलो कीजिए, तो आपके मोबाइल फोन में जो स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी अगर आपके स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है, देखिए आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा वहां आपको चले जाना है, वहां पर आपको अपने मोबाइल फोन का चार्जर भी आपको अपने साथ लेके जाना है और फोन भी, ठीक है ना, वहां दिखा देना है। हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना, मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, तो वहां पर आपको ले जाना है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी प्रोसेस आपको बताए हैं ना, सॉल्यूशन बताए हैं, वो आपके मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत है या मोबाइल फोन की बैटरी में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से स्लो चार्ज हो रहा है, तो आपको अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा।